में आपका फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिजिटल मिक्सिंग कंसोल जो कि एलन हित का अवांटिस मिक्सर है। दोस्तों एक 64 चैनल का मिक्सर है और इसमें हमको 42 आउटपुट मिल जाते हैं। दोस्तों इस मिक्सर में हमको 12 आउटपुट XLR मिल जाते हैं और 2 मिल जाते हैं स्टीरियो AES आउट और 12 इनपुट इसमें XLR मिल जाते हैं और 1 मिलता है हमको स्टीरियो AES इनपुट। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें देखें तो हमको 2 बड़ी डिस्प्ले मिल जाती हैं जो कि 15 इंच की मल्टी टच स्क्रीन है। और दोस्तों अगर यहां पे आप देखें तो 12 फेडर हमको राइट में मिल जाते हैं और 12 मिल जाते हैं लेफ्ट में। और इसमें हमको असाइनेबल लेयर मिल जाती है 6 और 6 लेयर हमको इस तरफ भी मिलती है। इसमें हमको 24 सॉफ्ट की मिल जाती है दोस्तों, जिसमें हम किसी भी फंक्शन को असाइन करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें मिल जाते हैं हमको 3 असाइनेबल रोटरी नोब जिसमें हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं ये चैनल मेरा 10 नंबर चैनल सिलेक्ट है और मैं इस पे अगर इसको कंट्रोल करूं तो दोस्तों इसमें आप कंप्रेसर का रेशो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें अगर इसको मैं इस वॉल्यूम को इस रोटरी नोब को घुमाऊं तो इसमें कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड, और इसको घुमाऊं तो इसमें मेकअप गेन का कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने यहाँ क्लिक किया है, जो भी हमारा चैनल सेलेक्ट रहेगा उसका नाम, और कोई भी अगर हम यहां से नाम डालें तो आप जो भी चैनल सेलेक्ट करेंगे उसका हम नाम डाल सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप देखो ये कलर चेंज हो रहा है इसका। और दोस्तों मिक्सर कंट्रोल करने के लिए हमको 4-6 बटन यहाँ पे भी मिलते हैं, जिसमें हमको पहला गेन मिलता है, पैन मिलता है, फिर सेंड मिलता है, और 3 में भी हम जो चाहें उसको भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो है हम जिसको कंट्रोल करना चाहें इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी कंप्रेसर को सिलेक्ट किया है और कंप्रेसर का मैंने थ्रेशोल्ड को टच किया और आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों इस तरफ हम अगर यहाँ पे देखें तो हमको प्री का बटन मिलता है, सेव का बटन मिलता है, इसके बाद फ्रीज का बटन मिलता है, और ये सॉफ्ट की हैं 23 और 24 और बाकी हमको यहाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं, अगर कुछ भी हमको कॉपी करना है तो इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा और हम जो चाहें उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको पेस्ट का बटन दबा के, जैसे मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ, मैंने ये 2 नंबर को कॉपी किया और मैं जाऊँगा इस पे पेस्ट का बटन दबाऊंगा ये वाला, और मैं किसी भी चैनल पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ 3 नंबर पे, तो आप देख रहे हैं ये 3 नंबर भी एक जैसा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको LED मिल जाते हैं अगर हमारा कोई भी इस लेयर में, और यहाँ पे अगर कोई भी सिग्नल अगर इसमें इनपुट सिग्नल पिक कर रहा होगा तो आपको यहाँ पे ये रेड लाइट जल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इस एक बटन यहाँ मिल जाता है GEQ का, जिसमें हम ग्राफिक इक्वलाइजर को कंट्रोल कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें दोनों तरफ दोनों स्क्रीन के सामने आप अगर यहाँ देखें चैनल स्ट्रिप में, तो हमको एक रोटरी नॉब भी मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ से इन बटन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर दोस्तों मुझे कोई गेन कंट्रोल करनी है तो मैं अगर यहाँ इस बटन को दबाऊंगा गेन वाले को, तो मैं इसी रोटरी नॉब से हर एक चैनल का, किसी भी चैनल का मैं गेन एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे पैनिंग करनी है तो मैं पैन का बटन दबाऊंगा, अब इसी रोटरी नॉब से मैं इसको पैनिंग लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेंड का बटन जैसे ही मैंने दबाया, अब हमारा कोई भी मॉनिटर जो भी सिलेक्ट होगा वो हम इसी नॉब से इसी रोटरी नॉब से मैं इस मॉनिटर में इसका सिग्नल भेज सकता हूँ। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं 1 नंबर बटन को दबाता हूँ इस वाले को, तो आप अगर यहाँ देखें जो हमारा चैनल सेलेक्ट होगा, जैसे कि अभी हमारा 7 नंबर चैनल सेलेक्ट है, तो इसका भी ये पैरामेट्रिक इक्वलाइजर इस पे कंट्रोल हम इसी रोटरी नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये 7 नंबर चैनल सेलेक्ट किया है और मैं अगर इसको पैरामेट्रिक को ओपन करूं, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि हम इसी रोटरी नॉब से हम पहला बैंड ले रहे हैं और इससे ले रहे हैं दूसरा बैंड, और इस पे आ गया हमारा तीसरा बैंड और इस पे चौथा बैंड। ठीक है, इसकी हम बैंड विड्थ को यहाँ से चेंज कर सकते हैं दूसरे वाले जो हमारा बीच वाला रोटरी नॉब है, और यहाँ से हम पिक्स फ्रिक्वेंसी को पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारा ये वाला बैंड है, तो इस बैंड को हम यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे, और इससे दूसरे वाले रोटरी नॉब से हम कर पाएंगे इसकी बैंड विड्थ को चेंज, और इससे हम फ्रिक्वेंसी को पिकअप करेंगे। ठीक है, सेम इसमें हमको 4 बैंड आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरा वाला बटन दबाते हैं तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो गया, अभी हम इस पे लो कट की फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से लो कट कर सकते हैं इसी रोटरी नॉब। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यहाँ से ये इसी रोटरी नॉब से मैं किसी भी चैनल का, जिसको मैं सिलेक्ट करूँ या जिसके सामने वाले को मैं रोटरी नॉब को कंट्रोल घुमाऊँ या
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसका जिसका मैं चाहूँ उसी का इसके सामने वाले से कंट्रोल कर सक। इसके बाद दोस्तों अगर मैं तीसरा बटन दबाऊँ ये वाला तो इसमें आप देख पा रहे हैं इस पर इधर से यहाँ तक गेट आ गया है और यहाँ से कंप्रेसर आ गया। अगर मैं इस बटन को दबाऊँगा तो हमारा ये गेट वाले का कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड और ये डेप्थ आ गया, ये अटैक होल्ड और रिलीज। अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो यहाँ थ्रेशोल्ड रेशो गेन अटैक और रिलीज आ गया, ठीक है। ये बाकी हम इसी रोटरी नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया हमारा ये रोटरी नॉब का कंट्रोल। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चैनल स्ट्रिप। सबसे पहले हमको यहाँ पे अगर हम इस पे जाएं प्रोसेसिंग पे तो मैंने प्रोसेसिंग को क्लिक किया है। आप यहाँ पे देखें हमारा कोई भी चैनल अभी सिलेक्ट नहीं है। अगर मैं सिलेक्ट करूँ जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ 8 नंबर, मैंने अभी 8 नंबर को सिलेक्ट किया है। तो अभी मैंने प्रोसेसिंग पे अगर जैसे ही क्लिक किया तो सबसे पहले हमको मिलता है प्रीएम्प जिससे हम किसी भी गेन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने 8 नंबर को सिलेक्ट किया, इसका मुझे गेन कंट्रोल करना है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इनपुट देना पड़ेगा और हमको इसको बताना पड़ेगा कि हमें इस पे इनपुट कहाँ से चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वहाँ भी एन सिलिंक लिखा हुआ है और हमारा 8 नंबर का चैनल सिलेक्ट है। अगर मुझे एनालॉग इसी मिक्सर से जो लोकल आउट इनपुट हैं तो अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा, एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ मुझको बाकी सोर्स मिल जाते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, मुझे लोकल से लेना है तो मैंने लोकल सॉकेट को सिलेक्ट किया है और मैं इसको इनपुट बता दूँगा कि हमारा माइक कितने नंबर पर लगा है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी इस नॉब से, इस रोटरी नॉब से मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके, अब जैसे अभी 4 नंबर आ गया तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अभी इसमें हमको सेप मिल जाता है यहाँ पे, दूसरा मिल जाता है पैड का बटन और ये अगर मैं इसको होल्ड रखूँ तो ये फैंटम पावर चालू हो गया। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे गेन बन गया। तो अगर मैं गेन पे सिलेक्ट करूँ और मैं इस नॉब से इसको कंट्रोल कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमको पोलैरिटी मिल जाती है, यहाँ आपको ट्रिम डिजिटल ट्रिम मिल जाती है और दोस्तों यहाँ पे हमको गेन ट्रैकिंग मिल जाती है। अगर मैं गेन ट्रैक को ऑन करता हूँ और मैं इसकी गेन चेंज करता हूँ तो आप देखना हमारी डिजिटल ट्रिम भी चेंज होने लगेगी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखें तो बाकी चीज़, अगर हम कोई भी हमको प्रीएम्प लगाना है दूसरे ब्रांड का तो मैं यहाँ जाऊँगा और हम कोई भी मॉड्यूल प्रीएम्प चेंज कर लूँगा और रिकॉल कर लूँगा, जैसे कि अभी ये आ गया है। इसके बाद दोस्तों हमको मिलता है फिल्टर, लो कट और हाई पास फिल्टर। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके मैं जितना चाहूँ मुझे फिल्टर, जितना मुझे लो कट करना है या हाई कट करना है तो मैं यहाँ से हाई कट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमको मिलता है गेट। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे गेट मिलता है और गेट में हम बता सकते हैं इसको कि हमारा की सोर्स क्या है और अभी सेल्फ की है तो इसका मतलब ये है कि अभी खुद के लिए काम करेगा। अभी अगर हम इस पे यहाँ देखें तो हमको फिल्टर मिल जाता है कि हमारा किस फ्रिक्वेंसी पे हमारा गेट खुलना चाहिए और यहाँ पे हमको बैंड पास भी मिल जाता है, हाई पास मिल जाता है और लो कट हाई कट भी मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमको बाकी चीज़ें इसके कंट्रोल मिल जाते हैं गेट के। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको इंसर्ट वन मिलता है जो कि हम कोई भी यहाँ पे प्लगइन या कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे मिल जाता है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर। तो यहाँ हमको इसके ये 4 बैंड का पैरामेट्रिक इक्वलाइजर है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमको 4 बैंड का इसमें इक्वलाइजर मिलता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल और इस यहीं से आप इसमें विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं कंप्रेसर पे। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमको फिर से साइड चेंज सोर्स मिलता है और यहाँ पे हाई कट लो कट जो कि हमारा कंप्रेसर का है और यहाँ पे हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें अटैक रिलीज, यहाँ पे रेशो आ गया, थ्रेशोल्ड आ गया, गेन आ गया। यहाँ पे हमको सॉफ्टनेस कितनी चाहिए, यहाँ से हम इसको ऑन करके सॉफ्टनेस ला सकते हैं। यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि हमारा कंप्रेसर कितना काम कर रहा है। यहाँ पे आप प्रीसेट बना के भी रख सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाया है। तो मैं अगर यहाँ सिलेक्ट करूँ और इस रिकॉल करूँ तो यहाँ पे आप देखें इसकी सेटिंग बदल गई है, ठीक है। इसके बाद हमको दूसरा इंसर्ट भी मिल जाता है, आप इसमें भी कहीं भी इंसर्ट या एक्सटर्नल या इंटरनल को भी इसमें ऐड करके असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको मिल जाती है इनपुट डिले जो कि आप देखें तो हमको 64 के 64 चैनल पे हमको अलग अलग इनपुट डिले मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे और देखते हैं क्या है, हमको यहाँ पे राउटिंग मिलती है। और दोस्तों हमने अभी राउटिंग पे क्लिक किया है, जैसे कि अभी ये वाला हमारा माइक सिलेक्ट है, अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो ये हट जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी आप देखो इसमें मेन के लिए ऑन है, अगर मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो हमारा सिग्नल अब मेन में नहीं जाएगा और यहाँ से हमको मैट्रिक में भेजना है क्या है, अगर मैट्रिक में नहीं गया है, अगर मैट्रिक में भेजना है तो हमको यहाँ से गेन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी मैट्रिक में जाने लगा और यहाँ पे बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, हमको रिकॉर्डिंग के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है, आप यहाँ से अपने इसको रिवर्ब देनी है, इधर ही से आप रिवर्ब भी दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया और मैंने रोटरी नॉब से यहाँ से बढ़ा दिया तो रिवर्ब 2 भी चला गया
दोस्तों इसमें हमको 12 इफेक्ट्स के इंजन मिल जाते हैं। अगर हम चाहें अभी जो हमारा चैनल सिलेक्ट है आप किस डीसीए पे वो करना चाहते हैं, तो अब यहीं से जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है इसमें 16 डीसीए हैं, तो आप यहां से डीसीए के लिए इसमें असाइन कर सकते हैं। और आप यहां देखें तो इसमें हमको म्यूट को भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 8 म्यूट के ग्रुप हैं यहां पे, तो आप चाहें तो इसको आसानी यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं इस चैनल को जो हमारा चैनल सिलेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आईओ पे, जिसका मतलब ये है आउटपुट और इनपुट। अभी आउटपुट हमारा आउटपुट सिलेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी आउटपुट सिलेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पे लोकल के लिए राउटिंग कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मेन मास्टर किस आउटपुट से निकले, तो आप इसको जहां से चाहें, आप इसमें 16 आउटपुट हैं, आप कहीं से भी इसमें आप मेन मास्टर या आपके मिक्स बस हो सकते हैं, मैट्रिक हो सकते हैं, आप जो चाहें उसको कहीं किसी भी आउटपुट जिसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी ऐसे लिंक हो गया, ये हमारा स्टेज बॉक्स है अभी जो कि कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें हमको बाकी इनपुट को हम यहाँ से आउटपुट और इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद हमको आईओ पोर्ट मिल जाते हैं। अपन ने कोई अगर आपने कोई एक्सपेंशन कार्ड लगाए रखे हैं तो हम इसमें 2 एक्सपेंशन कार्ड लगा सकते हैं। इसमें यूएसबी वाला सेक्शन आ गया, अभी हमारा यूएसबी कहाँ से आउटपुट कर रहा है वो हम इसमें इसको बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट आ गया, अभी हम इनपुट की चैनल का इसमें ले सकते हैं। जैसे अभी ये लोकल पे सिलेक्ट है, तो अगर हमको बताना है कि इसमें कहाँ से हमको इनपुट लेना है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट इसको राउट कर दूंगा। अगर दोस्तों अगर आपको एस लिंक से यानी स्टेज बॉक्स से लेना है, तो आपको स्टेज बॉक्स पे जाना पड़ेगा और आपको इसको बताना पड़ेगा कि हमारा चैनल किस चैनल पे आ रहा है, तो हम यहां से इसकी राउटिंग कर देंगे, ठीक है। सेम इसको आईओ पोर्ट मिल जाते हैं यहां पे फिर से। इसमें दोस्तों आप 128 इनपुट और 128 आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यूएसबी आउट है इनपुट है। और इसके बाद दोस्तों अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे बाकी चीज़ें आ जाती हैं। यहां पे वर्चुअल साउंड कार्ड, वर्चुअल साउंड चेक के लिए आप यहां से राउटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं गेगिन पे। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, जैसे अभी मैं जिस चैनल को चाहूँ एक साथ इस पर लिंक कर सकता हूँ। अगर मुझे 10 चैनल एक साथ कंट्रोल करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 10ों को एक साथ सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। अभी मैंने 10 सिलेक्ट कर लिए हैं और इसमें मैं चाहूँ इसको बता सकता हूँ कि इसका गेन, इसके फिल्टर, इसका गेट, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, कंप्रेसर, डिले, जो चाहें, या फेडर भी हम इसको एक साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया है 10 फेडर को और मैं अप्लाई करता हूं, तो अगर आप यहां पे देखें तो मैंने अभी उस पर सबको कनेक्ट कर लिया है, तो मैं एक फेडर से सारे फेडर कंट्रोल कर पा रहा हूं। किसी भी इसको एडजस्ट करना चाहूं तो आप देखेंगे हमारे सारे चैनल एक साथ इसमें कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे अगर मैं किसी का भी कुछ भी बदलना चाहूं, तो आप यहां पे देखें हर एक चैनल का एक साथ, 10ों के 10 चैनल का एक साथ इसमें गेन अप डाउन दिखेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं कंप्रेसर को भी अगर छेड़ता हूँ, तो मैं पहले कंप्रेसर पे जाऊँगा इस पे, और आप यहाँ पे देखें कंप्रेसर का मैं थ्रेशोल्ड अगर छेड़ूँ, तो आपको मिक्सर में सारे के 10 चैनल पे आपको और रेशो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं फिर से वहीं जाता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने 10ों के 10 को सिलेक्ट किया है और सबको मैंने इसको अनचेक कर दिया है, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो अब ये अपना अलग अलग हो गया है। तो अब नहीं होगा, अभी जो मेरा पर्सनल चैनल है इसके सिंगल चैनल है, अब ये सिंगल चैनल पे कंट्रोल ही करेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं हम मीटर पे। अगर मैं मीटर पे सिलेक्ट करता हूं, तो आप यहां पे देख पाएंगे हमको सारे के सारे मीटर मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारे इनपुट के, दूसरा हमको इफेक्ट है, इफेक्ट के आप जो ये ब्लू वाले देख रहे हैं ये हैं सेंड, ये वाले जो ग्रीन है ये रिटर्न है। आप मिक्स के मीटर भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने यूजर बनाए हैं तो आप यूजर भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमको RTA मिलता है, तो अगर हम RTA पे सिलेक्ट करें, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमको इस तरीके का RTA मिलता है। अगर हमको बार करना है, तो आप यहाँ से बार भी कर जा सकते हैं, यहाँ पे मोनो कर सकते हैं आप, इसको हमको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम बाकी सेटिंग को अगर फ्रीज करना है, तो आप यहाँ से फ्रीज भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको चला भी सकते हैं। आप यहाँ से इसका प्रीसेट भी बना के रख सकते हैं। मीटर के बाद दोस्तों हम आते हैं इफेक्ट पे। जैसे ही मैंने इफेक्ट पे सिलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे 12 इफेक्ट के स्लॉट मिल जाएंगे। अब तो आप अपने पसंद के इसमें इफेक्ट लगा सकते हैं, या आप आपने जो प्रीसेट बनाया होगा आप उस तरीके से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे अभी ये इस प्लगइन का ये फ्रंट पैनल है, अगर इसको बैक पैनल देखना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बैक पैनल की सेटिंग खुल के आ जाती है। आप यहाँ से रिटर्न आपने कहाँ दिया है आप इसको बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमको ग्लोबल बीपीएम मिल जाता है, जैसे किसी भी डो सॉफ्टवेयर में है। इफेक्ट के बाद दोस्तों आते हैं हम सीन पे। जैसे मैंने सीन पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे किसी भी इस पूरे सीन का, पूरे मिक्सर का स्नैपशॉट बना सकते हैं। अगर मुझे सेव करना है स्नैपशॉट, तो मैं क्या करूँगा, तो 5 नंबर पे मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने टच किया है,
और आप यहाँ से इसको नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं कुछ और दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने डेमो के तौर पे दे दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, और आप यहां से अभी ये जो बन गया है तो आप यहां से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको बाकी अगर हमको दोबारा अपडेट करना है तो यहां पे अपडेट भी कर सकते हो, यहां पे बाकी चीज़ें हैं, और हमको इसमें क्या सेव करके रखना है वो आप यहां से इसको बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेटअप पे। जैसे मैंने सेटअप पे क्लिक किया और यहाँ पे कंट्रोल पे आप देख सकते हैं कि असाइनेबल हमारा ये कंट्रोल खुल गया है। दोस्तों यही मेन सेटिंग है। अभी जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें 6 लेयर स्ट्रब मिल जाती हैं लेफ्ट में और 6 मिल जाती हैं राइट में। तो अभी आप देखें ये जो बैंक 1 है ये हमारा लेफ्ट वाला है, और ये बैंक 2 है जो ये राइट वाला है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा लेयर 1 सिलेक्ट है, तो अगर मैं इस लेयर 1 पे हम जो भी चाहें, आप जिस जौन सा चैनल चाहें उस चैनल को आप यहां पे इस पे ला सकते हो, ठीक है। और हमारी ये लेयर 2 है, अभी आप यहां पे देख रहे हैं खाली है ये, अभी इसमें खाली हमको DCA दिख रहे हैं। अगर मैं DCA को छोड़ के मैं कुछ और लाना चाहूं तो आप यहीं से इस पे इस चैनल पे ला सकते हो, ठीक है। अभी हमारी ये बाकी चीज़ें खाली हैं, तो मैं यहां से डायरेक्ट अगर मुझे एक साथ बहुत सारे लेने हैं तो मैं इनको एक साथ पूरा सिलेक्ट किया और यहां से मैं पूरा यहाँ पे ला लूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पूरा चैनल स्ट्रिप बन चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इफेक्ट्स पे। अगर आप यहाँ पे देखें इफेक्ट्स पे, तो आपको यहाँ पे जो ब्लू वाले दिख रहे हैं ये सेंड हैं, और ये जो ग्रीन है ये रिटर्न है। अगर मैं इस पे असाइन करना चाहूँ तो मैं असाइन कर सकता हूँ, जो जितने चाहे आपकी मर्जी के अनुसार आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 4 इफेक्ट लूंगा, तो मैंने 1 से लेकर 4 को सिलेक्ट किया है। 1, 2, 3 रिवर्ब हो गया, 1 डिले हो गया, और मैं इसको यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें हमको यह सेंड मिल जाते हैं। अगर मुझे रिटर्न भी लगाना है तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर 4 सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे बाकी जो हमको खाली जगह मिल जाती है मैं यहाँ पे डाल लूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको और इफेक्ट्स के रिटर्न भी मिल गए, ठीक है। ये हमारी डी वाली है। अब मैं आता हूँ बी पे। एक ही बात, बी पे मुझे अगर मॉनिटर लेना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉनिटर है। अगर मुझे बदलना है, कुछ और करना है, तो मैं यहाँ से बदल लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे ग्रुप आ गए, ग्रुप मैंने एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ से 4 मैंने ग्रुप ले लिए, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ग्रुप आ गए, ठीक है। आप उस तरफ की स्क्रीन पे भी सेम कर सकते हैं। और मुझे अगर मॉनिटर लेना है तो मैं 1 से लेकर 4 या 5, 6 जितने मॉनिटर में चाहूँ तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। अभी हमारा मॉनिटर बन गया। सेम बाकी चीज़ें हैं, अगर आपको मोनो स्टीरियो जो भी DCA लेने हैं तो DCA मिल जाएगी। ये मेडी वाले कंट्रोल, अगर मेडी वाला अगर आपको चलाना है तो मेडी भी ले सकते हो। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें सॉफ्ट की हैं 24, तो आप यहाँ पे देखें हमको 24 सॉफ्ट की मिल जाती हैं, जिसमें हमको अगर आप देखें यहाँ पे जिस पे ये डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये है ये पहले से आसान है किसी फंक्शन पे। तो अगर मैं इसको चेक करूँ, इस पे मैंने टच किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये AFL PFL क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मैं अगर मैं उस बटन को दबाऊंगा, सॉफ्ट की 1 को दबाऊंगा, तो जो हमारा PFL सोलो का बटन दबा होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं दूसरे को चेक करूं तो आप यहां पे देखें DCA स्प्लिट एक्टिव हो जाएगा। आप जिस भी DCA को आप सिलेक्ट कर दोगे तो आप वो आपको बता देगा कि इस पे कितने चैनल कनेक्ट हैं। और सॉफ्ट की मैं अगर मैं चेक करूं तो मैंने 6 को दबाया तो आप यहां पे देख रहे हैं टेम्पो है जो कि ग्लोबल वाला है। दोस्तों सॉफ्ट की के बाद हम देखते हैं सरफेस। सरफेस पे हमको मिल जाता है चैनल स्ट्रिप रोटरी फंक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो बटन है उस पे अगर हम कंट्रोल करें, उसको मैं दबाता हूँ तो क्या खुल के आएगा, पैरामेट्रिक इक्वलाइजर जो फंक्शन की 2 है उस पे हमको हाई पास फिल्टर मिल जाता है, और इसमें हमको मिल जाता है गेट कंप्रेसर कंट्रोल, जो कि हमने ये जो बटन दिखाए थे आपको ये इन्हीं का इसमें कंट्रोल कर सकते। जैसे मैंने ये वाला बटन दबाया तो इसमें गेट कंप्रेसर कंट्रोल आ जाता है। दोस्तों अभी मैं इसको दबाता हूँ तो आप जो भी हमारा चैनल सेलेक्ट होगा वो चैनल का उसमें कंट्रोल आ जाएगा। जैसे कि ये किया मैंने तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट और कंप्रेसर आ गया। अगर मैं ये दूसरा नंबर दबाता हूँ तो आप यहाँ पे आप जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हाई पास फिल्टर, तो अगर मैं इस रोटरी नॉब से अगर कंट्रोल करूंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हमको हाई पास और लो पास हाई पास फिल्टर का कंट्रोल मिल जाता है। तो इसके बाद थोड़ा सा मोड देख लेते हैं नीचे। ये जो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर है, अगर मैं 1 नंबर को दबाऊंगा तो इन्हीं रोटरी नोब से मैं पैरामेट्रिक इक्वलाइजर को कंट्रोल कर पाऊंगा। दोस्तों अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप जिसको जो चाहें आप उस पर सेट करके रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, आप अगर यहाँ पे मैं टच करूँ, इसको मैं अगर ऑन करूं तो आप देखेंगे जो भी मैं फेडर को टच करूंगा तो इसमें लाइट आना, जैसे एक लाइट सी दिखेगी। जैसे मैंने ये वाला फेडर टच किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट, जिसको मैं छू रहा हूँ उसमें ये लाइट आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले
ग्रेटर डेवी सिलेक्शन, अगर अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो आपको जो मैं फेडर को अप या डाउन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे इसको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो जो भी मैं फेडर उठाऊँगा तो आपको यहाँ पे इसका डीबी लेवल दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेंड ऑन फेडर है, दूसरा है सिग्नल सिलेक्टेड मोड, इसके बाद आता है डीमर। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और आप यहाँ पे देखें, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो लाइट दिख रही है इसको मैं कंट्रोल कर पाऊँगा, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से आप देख रहे हैं इसका एलईडी को देख बैलेंस कर सकते हैं, और मैं इसको एलईडी स्ट्रिप को भी कंट्रोल आप देख सकते हैं बंद और ज़्यादा बंद भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं टच स्क्रीन, अगर मैं टच स्क्रीन पे क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं इसकी ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, और यहां पे अगर आप देखें तो ये एलईडी जो आप यहां देख रहे हैं इसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो एलईडी इसमें भी है और इसमें भी है इसकी खुद की, आप इस एलईडी को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं अभी फुल कर देता हूँ। डीसीए स्प्लिट के बाद दोस्तों हम आते हैं कस्टम रोटरी पे, यहाँ पे देखें तो इसमें पॉपअप टाइम आउट लिखा हुआ है जो कि सेकंड में है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मैं कंट्रोल करूँगा तो ये इतने टाइम में 6 सेकंड के बाद ये वापस अपनी स्थिति पे वापस हो जाएगा। अगर मैं कम करता हूँ तो ये जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैंने रखा है 1 सेकंड, अभी मैंने 1 सेकंड रखा है, तो अब अगर मैं इनको कंट्रोल करता हूँ तो ये 1 सेकंड के अंदर ही वापस चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको चालू करके रखना है तो आप यहाँ से इसको ऑन करके आप इस बटन को दबा के ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे जो कंट्रोल रोटरी नॉब है आप यहाँ पे जो चाहें आप इस पे सेट करके रख सकते हो, जैसे कि अभी कंप्रेसर है, दूसरा कंप्रेसर का थ्रेशोल्ड है इसमें, और मेकअप गेन है। सेम उस तरफ वाले रोटरी नॉब में भी सेम इसमें सेटिंग ये आपको दिख रही है, ठीक है। ये अगर लेफ्ट और राइट दोनों को अगर आप ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों कस्टम रोटरी के बाद हम आते हैं ऑडियो पे, और ऑडियो पे हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। सबसे पहले है PFL, अगर हम PFL की बात करें तो इसमें हमको कुछ सेटिंग मिलते हैं। तो सबसे पहले हमको जो PFL में सेटिंग मिलती है वो मिलता है मिक्स PFL। अगर मैं इसको ऑन करता हूं दोस्तों, अगर तो मैं किसी भी ये जो हमारे आउटपुट वाला सेक्शन है, मिक्स है, बस है, या कोई भी मॉनिटर है, उसको अगर मैं PFL का बटन दबाता हूं तो वो आप देखेंगे तो वो चैनल सेलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। सेम दोस्तों अगर मैं मिक्स फॉलो इनपुट वाले को दबाता हूं, अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो जिसको भी अगर मैं PFL के बटन को दबाऊंगा तो वो चैनल सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं मिक्स का बटन अपने आप ऑन हो जाता है इसके साथ। अगर मैं इस पे आता हूं तो आप अगर मैं इसको ऑन करता हूं, इसको ऑफ करता हूं, तो अगर मैं जिसको भी सेट करूंगा वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही मैंने इसको टच किया है PFL पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा चैनल स्ट्रिप सेलेक्ट हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों हम बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। यहां पे हम बाकी चीज़ें इसका क्लॉक लॉक सेट कर सकते हैं। इस पे हम जल्दी जल्दी इसमें हमको मीटर की जो हमारा यहां पे मीटर दिखेगा तो आप इस मीटर को अपने तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमको यहां पे सोर्स सिलेक्शन का वो ऑप्शन मिलता है, और हमको यहां पे ऑटोमेटिक अगर हमको कंट्रोल करना है तो आपको यहां पे भी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग होता रहेगा। और इस पे आते हैं कॉन्फिगर पे, तो आपको अगर यहां पे देखें आपको अभी जैसे दो ग्रुप हमको स्टीरियो मिलते हैं, एक मोनो मिलता है, एक FX 8 हमको मोनो इफेक्ट मिल जाते हैं, और हमको ऑक्स 8 मिल जाते हैं, और स्टीरियो हमको 5। अगर आप यहां से चेंज करना चाहें तो आप इस पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे मोनो मॉनिटर ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां से इसमें बढ़ा लूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पे मिल जाता है टालबैक, उसको टालबैक की सेटिंग हम डिटेल्स में वीडियो कभी और बनाने का ट्राई करेंगे। इसमें हमको म्यूट ग्रुप अगर आपको असाइन करना है इस चैनल पे, कौन से किस किस चैनल को म्यूट ग्रुप पे असाइन करना है, इस म्यूट ग्रुप 1 है ये, तो आप यहाँ से आपको इसको यहाँ से असाइन कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है हमको सिग्नल जनरेटर, आप जिस भी मॉनिटर या किसी भी मिक्स में हमको मेट्रिक हो गया चाहें इसमें पिंक नॉइस भेज सकते हैं टेस्टिंग के लिए। जैसे अभी पिंक नॉइस सिलेक्ट है, अगर मैं इसकी वॉल्यूम को बढ़ाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे पिंक नॉइस बढ़ जाएगा। तो हमको यूटिलिटी बटन मिलता है, यूटिलिटी में हमको मिलता है ऑडियो, जहाँ भी हमारा पेन ड्राइव है उसमें जो भी हमारे गाने आने हैं वो हमको यहाँ पे जाएंगे, रिकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हो जाएगी और यहाँ से आप ट्रैक देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम अभी कहाँ से प्लेबैक करना है तो आप यहाँ से हमको इसको बता सकते हैं, जैसा कि अभी प्लेबैक हमारा इस पे है 64 चैनल पे। अगर आप बदलना चाहें तो आप कहीं से भी बदल सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं इसका इनपुट। और इसके बाद दोस्तों हम आते हैं रिकॉर्डिंग हमको कहाँ से लेनी है, तो आप यहाँ से इसको भी बता सकते हैं हमको रिकॉर्डिंग कहाँ से इनपुट लेना है, मिक्स से लेना है या मैट्रिक से लेना है या किसी लेफ्ट राइट मिक्सर आउट
आउट से लेना है। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पे हमको मेडी के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे हमको यूटिलिटी, हमारे मिक्सर में क्या क्या बग आए, क्या दिक्कत आई, किसने ओपन किया, हमको पूरी डिटेल्स यहाँ दिख जाएगी। तो यहाँ पे हमको फर्मवेयर का वर्जन वगैरह दिख जाएगा, यहाँ पे हम अगर फेडर कैलिब्रेशन करना चाहें तो फेडर का कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे अगर फेडर का कैलिब्रेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों मैंने कैलिब्रेटर मोटर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आप ये आपको सारे फेडर आपको एक साथ कैलिब्रेट करते हुए दिखेंगे। पे आप डेट और टाइम सेट करके रख सकते हैं आपको, और यहाँ पे हमको स्टोरी मिल जाएगी, हमारा क्या बग आया, किसने ऑन किया, किसने चालू किया, हमको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे हमको मेमोरी दिख जाती है। और यहाँ पे दोस्तों हम अगर इसको फैक्ट्री स्टोर करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करके और रिकॉल कर लें तो एकदम मिक्सर खाली हो जाएगा। आप यहाँ देखें तो आपके जो भी प्रीसेट होंगे आपके यूएसबी तो आपको यहाँ भी दिख जाएंगे। अगर इसको इससे मिक्सर में लेना है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ से कॉफी टू मिक्सर में ले लोगे, ठीक है। जैसे मैं ये लिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आ चुका है मिक्सर में, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पे स्टेटस मिलता है, हमको यहीं से हम पावर ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम सरफेस को लॉक कर सकते हैं, और यहाँ यूजर स्विच कर सकता है, इसके लिए हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमको मीटर मिलता है, अगर मैं कोई भी सॉन्ग को प्ले करूँ तो आप यहाँ पे मीटर देख पाएंगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कि हमारा सिग्नल कहाँ आ रहा है इस पे, तो आप यहाँ पे देखें तो हमको यहाँ पे मीटर दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सेम इस तरफ भी हम इस मीटर को चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो लाता रहता हूं डिजिटल कंसोल पे, किसी भी DBX ड्राइव रैक हो गया, कोई भी डिजिटल मिक्सिंग कंसोल हो गया, कोशिश करूंगा इस पे कोई और डीप वीडियो बनाऊं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों ये जो भी इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे वो सारे हिंदी में होंगे, इसमें और भी बहुत कुछ है, अगर समय रहा कभी हम इसमें इसका पूरा डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। इतना फिर भी हमारा ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों, अगर टाइम रहा मैं कभी और इसके बारे में और अपलोड वीडियो करूंगा जो कि डीप होंगे एकदम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, ठीक है।